कर्नाटक के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा डीके शिवकुमार ने नए सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 अन्य विधायकों को सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में जगह मिली। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे थे। वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों के कई सीएम भी इस मौके पर और इस समारोह में पहुंचे हुए दिखाई पड़े। शपथ ग्रहण समारोह में सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बीजेड जमीर अहमद खान ने नव निर्वाचित कर्नाटक सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। राज्य के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, मक्कल नीडीमाइम के प्रमुख कमल हसन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बेंगलोर के श्री कांतिरवा स्टेडियम में किया गया था। जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीत लिया है, अब इस समय दक्षिण भारत के सभी 5 राज्यों में बीजेपी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है, जिससे दक्षिण के किले पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी हो गई है। अब आने वाले महीनों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बार भाजपा के लिए सत्ता में वापसी करना बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है। देखते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा का यह प्रतिद्वंद किस स्तर पर जाएगा, साथ ही कौन सी नई रणनीतियां तय की जाएंगी अपनी सत्ता स्थापित करने में।